एक सामान्य व्यक्ति भी भीड़ से अलग नजर आ सकता है, यदि वह एक अच्छा वक्ता हो। यदि आप ग्रुप सेमिनार, किसी मीटिंग या स्टेज पर जाने के नाम से डरते हैं, भीड़ को संबोधित करने का सोचकर आपके पैर कांपते हैं, या जब आप सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो वह आपकी बातों को इग्नोर कर देता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार मित्रों, माप वनी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। नंबर एक पर है तैयारी करें। आप भी बन सकते हैं एक अच्छे वक्ता, आप भी बन सकते हैं एक अच्छे वक्ता, ये पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट है। आप जिस विषय पर, जिस जगह और जिस समूह के सामने स्पीच देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दें। गूगल, अखबार और लाइब्रेरी का पूरा प्रयोग करें और ज़बरदस्त कंटेंट तैयार करें। मिरर के सामने उसकी रिसर्चेबल कर सकते हो या फिर उस भाषण को दोहराए। हो सके तो अपने स्पीच को रिकॉर्डिंग करके सुने और गलतियों को सुधारें। याद रखें, आप चाहे कितना अच्छा बोलना क्यों ना जानते हो, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो बात नहीं जमेगी। तैयारी की महत्ता आप अब तक के महानतम लेखकों और ह्यूमरिस्ट में से एक मार्क ट्वेन के इस कथन से भी समझ सकते हैं। इट यूजुअली टेक्स मी मोर देन 3 weeks टू प्रिपेयर ए गुड इम्प्रोमेंटो स्पीच। आमतौर पर मुझे बिना तैयारी के दिए जाने वाले भाषण को तैयार करने में 3 हफ्तों का समय लग जाता है। नंबर दो पर है, ये सोचे कि आपको सफल होकर आना है। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि आप कभी भी हार ना माने, हार के बारे में सोचे भी नहीं। हम दिमाग के लिए जैसे मैसेज टाइप करते हैं या दिमाग को जैसे इनपुट देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्राप्त होता है और हम वैसा ही कार्य करते हैं। यदि हम दिमाग को लगातार असफलता और हार का संदेश देंगे तो हमारी हार निश्चित है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, इसलिए दिमाग और मन को हमेशा सफलता और आत्मविश्वास का संदेश दीजिए। इससे आउटपुट के रूप में आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और शरीर भी उसी के अनुरूप आगे बढ़ने को तैयार होगा। यदि आप हमेशा और हर बार खुद से यह कहें कि आप इसे यकीनन कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो आप उसे सफलता से पूरा कर लेंगे। इसलिए खुद पर यकीन करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ श्रोताओं के सामने अपने विचार प्रकट कीजिए। यकीनन आप श्रोताओं का दिल जीत सकते हैं। नंबर 3 पर है, श्रोताओं से जुड़े। हमेशा श्रोताओं से जुड़ने का प्रयास कीजिए। यदि आप पहले भी कभी उनके शहर में आ चुके हैं तो उन बातों को दोहराइए। उस शहर के यादगार लम्हों को उनके सामने रखिए। उस स्थान के दुर्लभ स्मारकों की बात कीजिए। यदि उस अनगिनत की भीड़ में भी आप कुछ लोगों को जानते हैं और वे प्रतिष्ठित हो तो उनका आदरपूर्वक जिक्र कीजिए। हमेशा ऐसी बातें करने का प्रयास कीजिए जैसे आप खुद उस शहर से बहुत दिनों से जुड़े हो। उन लोगों के प्रति आपके दिल में बहुत प्यार और स्नेह है और आप खुद भी उस शहर से बेहद प्यार करते हैं। ये बातें जितना अधिक आपके हृदय से निकलेगी उतना ही श्रोता आपको पसंद करेंगे। बनावटी बातें किसी को पसंद नहीं आती और जितना ज़्यादा श्रोता आपको पसंद करेंगे उतना ही अधिक वो आप पर विश्वास करेंगे। बातों को अच्छे ढंग से कहने का प्रयास कीजिए। जैसे ये कहने की बजाय यदि तुम्हें तुम्हारा ये शहर खूबसूरत बनाना है तो तुमको प्रदूषण हटाना होगा, इसे अलग शब्दों में पिरोकर ये कहिए, यदि हमें हमारे इस शहर को खूबसूरत बनाना है तो हम सबको मिलकर प्रदूषण हटाना होगा। नंबर 4 पर हैं, भाषण बिना देखे बोले। अगर एक प्रभावी वक्ता बनना है तो आपको बिना देखे बोलना आना चाहिए। ऑफ कोर्स आप अपने साथ कुछ नोट्स रख सकते हैं या पूरा का पूरा भाषण भी टाइप कर लेके जा सकते हैं, पर आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि सुनने वाले को ये लगे कि आप बोल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। अगेन, बिना देखे खराब भाषण देने से अच्छा है देख कर सही बातें बोलनी चाहिए। इसलिए अगर आप बिना देखे बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो किसी बड़े क्वेश्चंस पर इसे ट्राई करने के बजाय छोटे मोटे अवसरों पर ऐसा करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस से कुछ भी सीखा जा सकता है, इसलिए एक प्रभावशाली भाषण बनाने के लिए नंबर 5 पर है, देखे बोलने की कला में पारंगत होना होगा। एक अच्छा स्पीकर स्पीच देते वक्त हमेशा ऑडियंस की आंखों में देखता है। ऐसा करने से उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का पता चलता है। आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि
आप इधर उधर देखने के बजाय श्रोताओं को देखें, और यह भी ध्यान दें कि आप एक ही तरफ से कुछ विशेष व्यक्ति को ही न देखें, बल्कि बारी बारी से ग्रुप से नज़र मिलाते रहे। नंबर यहाँ पर है रुचि की बात करिए। यदि आप एक सफल वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको श्रोता की पसंद का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब आप श्रोता को एक दोस्ताना माहौल देते हैं, उनके व्यवसाय उनकी समस्याओं की बात करते हैं, तो श्रोता को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। आपकी ज़िंदगी के छोटे छोटे किस्से और उनकी ज़िंदगी से जुड़े बातें, छोटी छोटी खुशियों का पल जब आपकी भाषण के बीच में आते हैं, तो श्रोता को आपके अपनाने में देर नहीं लगती। यदि आप श्रोताओं, संस्था या उस समाज की किसी विशिष्ट उपलब्धि की चर्चा उनके सामने करते हैं, तो प्रतिक्रिया में उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि वे सुनकर हैरान हो जाते हैं कि सब वक्ता को पता कैसे चला। नंबर 7 पर है, गलती हो जाने पर घबराए नहीं। स्पीच के बीच में कुछ गलत परफॉर्मेंस कर देना या अटक जाना कोई गलत बात नहीं है, बेशर्त आप इस सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल कर ले। ऐसे मौक़ों पर आप इसे हास्य का मोड भी दे सकते हैं, या सीधे सीधे माफ़ कीजिएगा बोलकर स्पीच जारी रख सकते हैं। सभी जानते हैं कि स्टेज पर जाकर बोलना इतना आसान नहीं होता, ऐसे में छोटी मोटी गलतियां होना स्वाभाविक है।